सोलन में आज संस्कृत महाविद्यालय द्वारा वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने की। वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, दौड़ सहित क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के शुभारंभ के दौरान खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि कोरोना काल में 2 साल तक किसी भी तरह के कार्यक्रमों पर बंदिशें लगाई गई थी, चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो या फिर खेल कूद से जुड़े कोई भी कार्यक्रम हो। ऐसे में 2 साल के बाद अब इस तरह के कार्यक्रमों को अनुमति मिली है। ऐसे में इस तरह की वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता करवाना युवाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसीलिए इस तरह के क्रीड़ा करवाना जरूरी है। आज संस्कृत महाविद्यालय सोलन के द्वारा वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रह सकता है और कोरोना महामारी ने 2 वर्षों तक इन सब गतिविधियों को एक किस्म से विराम सा लगा दिया था, चाहे सामाजिक गतिविधियाँ थी, चाहे धार्मिक गतिविधियाँ थी, चाहे ये खेल प्रतियोगिताएँ थी। आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है यहाँ पर वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए। मैं संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, आचार्यगण तथा बच्चों को बहुत बहुत इस शुभ कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि महामारी के बाद बच्चों को क्रीड़ा प्रतियोगिता की ओर आकर्षित करने के लिए आज से 2 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी और समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही टीमें भाग लेगी। वहीं इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग ले रहे युवाओं का कहना है कि 2 साल के बाद वार्षिक क्रीड़ा होने से उन लोगों में जोश है और क्रीड़ा प्रतियोगिता में होने वाली विभिन्न प्रतिस्पर्धा में वे लोग भाग लेने वाले। देखिए, ये जो महामारी के बाद का जो समय, ये जो बीच का समय रहा है 2-2.5 साल, इसमें बच्चों को बाहर निकलने की जितनी जो एक्टिविटीज़ थी, एक किस्म से क्रीड़ा क्षेत्र तो छूट ही चुके थे और मुझे लगता है कि सारे बच्चे, चाहे ऑनलाइन क्लासेस थी, मोबाइल में ही रहते थे। तो हमें बड़ा अच्छा अवसर मिला है आज, ये 2 साल के बाद हमें ये जो हमने क्रीड़ा प्रतियोगिता का यहाँ आज आयोजन किया है, इसमें हमारे पास जितनी भी हमारी लंबी दौड़ें हैं 100 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक, इसमें सभी हमारी लड़कियाँ और लड़के भाग ले रहे हैं। साथ में कबड्डी, वॉलीबॉल में भी लड़के लड़कियाँ खेल रहे हैं। इसके अलावा ऊंची कूद है, लंबी छलांग है, इन सब में भी हम इसमें पार्टिसिपेट बच्चों से करवा रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि अगर स्वस्थ भारत की बात करेंगे तो स्वस्थ भारत तभी होगा जब स्वस्थ मन होगा, और बच्चे इस जिस तरह से आप देख ही पा रहे हैं, जितनी उमंग और जितना जोश ये अभी दिखा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद बच्चों को ये अवसर मिला है। हमारी 2 दिवसीय प्रतियोगिता होती है, हम क्या करते हैं इसमें पहले दिन जो हमारी ये एथलेटिक तो पूरी हो जाती है, उसके बाद क्रिकेट का भी हम आयोजन करते हैं और क्रिकेट में हमारे पास लड़के लड़कियां दोनों ही कपड़े के बॉल से हम इनको 10-10 ओवर से मैच कराते हैं, ताकि इनको ये ना लगे कि हम जो हमारी परंपरागत जो क्रीड़ा जो है उसी में प्रतियोगिता ही कराते हैं। हम ये आधुनिक है हमारा क्रिकेट, तो हम इसमें क्रिकेट प्रयास करते हैं कि आधुनिक जो हमारा खेल है क्रिकेट, इससे भी इनसे अवगत कराएं। महाविद्यालय, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन में जो है स्पोर्ट्स मीट आयोजित की गई है, यह 2 साल के बाद हो रही है क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। उससे पहले हर वर्ष जो है एक दिन हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट होती थी, जिसमें सभी बच्चे बढ़ चढ़कर प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। सभी को, वैसे तो सभी को खेलना पसंद होता है, बच्चों में नया जोश आता है और अपनी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का सभी को मौका मिलता है। किसी की रेस अच्छी है तो कोई कबड्डी अच्छी खेलता है, तो सभी बच्चे जो है आगे आते हैं। इसमें हमारे को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन में ये वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2 साल के बाद हो रही है, क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से ये नहीं हो पाई थी, इस बार हो रही। तो इस बार बच्चे इतने खुश हैं कि कई मतलब हर चीज़ों में भाग ले रहे हैं, जिसको जिसमें अपना इंटरेस्ट है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई कबड्डी, कोई वॉलीबॉल, कोई क्रिकेट। आज हमारी अभी 100 मीटर रेस हो गई है, इसके बाद 200 मीटर होनी है और 800 मीटर होनी है, जिसमें सभी बच्चे जिसको जिसमें इंटरेस्ट अपने अपने इसमें भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता हमारी हो रही है। हम सबको यही राय देना चाहेंगे सर कि जैसे शिक्षा के साथ साथ व्यायाम एवं खेल के कूद बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें खेल कूद बहुत जरूरी, हमें
खेल खेलते रहने चाहिए। हाँ, किसी भी जिसमें इंटरेस्ट है हर खेल में पार्टिसिपेट करे, और व्यायाम खेल कूद जितना ज़रूरी है शिक्षा के साथ साथ, जिससे हमारा शरीर फिटनेस रहेगा और क्या, शरीर फिट रहता है, इसलिए खेल कूद बहुत ज़रूरी है।